राज्यों से लगातार इनपुट मिल रहे थे कि जम्मू जिले में और खासकर जम्मू जोन में इन पर्टिकुलर काफी सारे मुख्तलिफ जिलों में ये जो इलीगल सेटलमेंट्स आए हैं इनमें काफी सारे लोग उनको एड और रिबेट कर रहे हैं, उनके रिहाइश को, उनकी जगह दे रहे हैं उनको, उनको जो आधार कार्ड, सिम कार्ड और बाकी मुख्तलिफ तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को इस देश की बेसिक सर्विसेज एक्वायर करने के लिए, उस संदर्भ में हमने जम्मू ज़िले में करीब 60 केस FIR रजिस्टर की हैं और 30 से ज़्यादा जगह पर हमने सर्च की हैं जिनमें कि उनके एडर्स और रिबेटर्स को हमने पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में भी लिया है। और बाकी ज़िले जैसे डोडा है, किश्तवाड़ है और आपके पुंछ ज़िला है, रजौरी ज़िला है, इनमें भी इनके जो एडर्स और रिबेटर्स हैं इस ऑफेंस के, जो ये फॉरनर्स हैं उनके जो एडिंग और रिबेटिंग के सपोर्ट के लिए लोग आए हैं उन संदर्भ में हमने भी उनके खिलाफ भी वहाँ केस रजिस्टर किए हैं, उन्हें गिरफ्तारी की है और कार्रवाई की। सात एफ आई आर लगी हैं जम्मू ज़िले की और उसमें करीब हमने 30 से 35 लोगों को पूछताछ के लिए भी लाया और करीब 30 से ज़्यादा लोगों पर सर्च की। सर जिनको डिटेन किया है उनको फर्दर अभी क्या रिपोर्ट किया जाएगा क्या नहीं? इन पे जो भी लीगल कार्रवाई है, जो भी इसमें एज पर द एक्ट है जो कार्रवाई है वो मुकम्मल की जाएगी। इनके पास काफी सारे लोगों के पास रेंट एग्रीमेंट मिले हैं, काफी सारे लोगों के पास कुछ सिम कार्ड मिले हैं, काफी सारे लोगों के पास कुछ राशन कार्ड वगैरह मिले हैं, तो इसकी ये तफ्तीश की जा रही है कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे एक्वायर किए और कुछ लोगों को कस्टडी में लेके फर्दर पूछताछ की जाएगी। 30 से ऊपर पूछताछ के लिए लाया गया 40 से ऊपर और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। यस, आगे भी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और इसमें अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि किन लोगों ने इनको पना दी है, किन लोगों ने इनसे रेंट एग्रीमेंट किए, किनों ने इन्हें लाया है, कौन इनके एडर्स और रिबेटर्स हैं। चलो कुछ सर, कोई पीछे गिरोह काम कर रहा है सर, इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है जो इनको इस तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है। यही मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, यही मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि अभी अगर किसी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आता है वही हम कहने चल जा रहे हैं कि इसमें और कौन लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इसको एक बिजनेस के तौर पे लिया। सर, एक ऐसा मॉडल जो पहले देखा गया है कि कुछ जो रोहिंग्या हैं वो दे हैव मैरिड टू लोकल गर्ल्स अक्रॉस द रीजन। अभी इसमें कुछ केसेस सामने आए हैं जिनमें कि कहीं लोकल्स ने भी शादी की है और उन्हें भी हमने गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, लिहाजा वो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन जस्ट स्टार्ट ही हुई है तो अभी इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि हम कितने लोगों को भेज पाएंगे। सर, जो FIR रजिस्टर की गई हैं ओपन FIR हैं किन सेक्शन में? ये 420 बी सेक्शन 14 ऑफ फॉरनर्स एक्ट और जो आपके फोर्जरी के सेक्शन से सर कितनी सख्त कार्रवाई लोगों के खिलाफ होगी जो इसको एक बिजनेस की तरह लेते हैं, बार बार टेनेंट्स रखते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है ये बहुत बड़ा थ्रेट है, कितनी कड़ी कार्रवाई करने जा रही है पुलिस? इसमें जो भी लीगल एक्शन है इनके खिलाफ फॉलो करेगा और इसमें हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में इसमें हम दया तक पहुंच पाए कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट हुए, हमें कौन कौन लोग हैं। इसका असेसमेंट किया जाएगा बट ये है कि फिलहाल अभी आज की डेट में जैसे हमारे सामने जो 7 FIR 7 मुकदमे जो जम्मू पुलिस के हैं उनमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसमें क्या एक्सटेंड ऑफ प्रॉब्लम। सर, किश्तवाड़ के दिन से दीज इलीगल इमिग्रेंट्स एंड ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई लीगल सिटीजनशिप, सो यू थिंक दैट सम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव बीन रिमूव्ड, हाउ मेनी ऑफ देम आर अंडर स्कैन? इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स एक्वायर किए गए हैं इनमें पुंछ में हमने कस्टडी में लिया ऑफिशियल को और उससे फर्दर पूछताछ की जा रही है, तो लिहाजा अभी जैसे डॉक्यूमेंट्स अभी डिटेल सर्च मिले हैं तो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कितने ऑफिशियल्स इन्वॉल्व।